धार धारे हो रही है और साथ में परेशान है। इरादा करने मेरा ब्लॉग बनाने का डर इतना अच्छा है, डर और भारी तो नहीं है, साथ ही साथ इलाज भी शेयर करें। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, अभी मैं खुद भी इंजॉय कर रही हूँ। बोलता माशाला बच्चों का होता है और बन रही है, वो भी आगे आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हमारे बच्चे देखिए इंजॉय कर रहे हैं, खासकर आपके हैं यहाँ बारिश की साउंड और बर्फबारी की साउंड सुनिए, इतनी जबरदस्त साउंड है। इस ठंडे ठार और सुहाने मौसम में गर्म गर्म आलू के पकौड़े, बच्चों को ये पसंद है तो मैं यही बना लेती हूँ। और साथ जो है मैंने रोल और समोसा फ्राई कर लिए थे। आज की अफ्तारी तो मेरी बेहद सिंपल थी, क्योंकि पूरा मंथ हमने बीफ कीमा खा खा के और स्पाइसी चीज़ें, तो साहिब मोहतरम बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। इन्होंने बोला है कि आज बहुत ही लाइट सा कुछ बनाना, तो लाइट सा ही आज मैंने मेन्यू रखा है। वैसे आम रूटीन में भी मैं जो है बहुत ही सिंपल सा रखती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों की तरफ रमज़ान में फोकस नहीं करती। मेरी पूरी तवज्जो इबादात की तरफ होती है, कुरान पाक को मुकम्मल करने की तरफ होती है, क्योंकि पूरा साल ये वाहिद मंथ होता है जहाँ हम खुशू व खुजू के साथ इबादात करते हैं। अल्लाह पाक हमारी इबादात को कबूल फरमाए। तो मैंने सिंपली साबुत मसूर बना ली थी और मेरी बेटी इसको काली दाल भी बोलती है, तो इसके साथ मैंने जो है राइस बॉइल कर लिए थे, बहुत ही ये मज़े की बनती हैं। और ही जी मैंगो टेंगो माय फेवरेट। मौसम तो बहुत खुशगवार था, बट आपको तो पता है रमज़ान की वजह से, रोज़े की वजह से शरबत तो मस्त होता है और पकोड़े भी मस्त होते हैं। ये में थी मेरी सिंपल सी अफ्तारी। और जो बारिश के बाद रेनबो थी, यकीन कीजिए डबल रेनबो थी, बड़ी छोटी ऊपर नीचे, तो बहुत ही मज़े की थी। मैंने उसकी भी छोटी सी वीडियो बना ली है, तो मेरे साथ आप भी देखिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है ये स्मॉल सा मिनी सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में मुझे लाजमी बताया कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा एक पॉपकॉर्न बढ़ा देता है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।